नमस्कार, स्वागत है। तो काजी कैसे हैं, लेकर के आ गए हैं एक नया ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए। एकदम बैठे हुए हैं गंगोत्री के बगल में और पहन लिए जूता, ले लिए हैं बैग। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब लिए थे, लेकिन खोल करके अभी रख दिए हैं कमरे में और बैठे हुए हैं बस गंगा किनारे एकदम शांति में। तो भैया, यात्रा की शुरुआत होती है मसूरी एक्सप्रेस से, जो हमें दिल्ली से हरिद्वार लेकर आई है। बाकी हरिद्वार के मौसम की बात करें तो बरसात की बूंदे गिर रही है या फिर ओस की बूंदे, पता करने में जो है काफी मुश्किल हो रही है। ट्रेन से उतर चुके हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, टेम्परेचर लगभग 7 से 8 डिग्री है। टोपा ओपा पहने हुए हैं, वो भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ठंड जो एकदम अंदर से झकझोर कर रख दे रहा है। फिलहाल वो है ब्रिज है, ओवर ब्रिज, हम लोगों को पार करके वहाँ से निकलना है घाट के लिए। चलिए चलते हैं। बाकी जितना कॉन्फिडेंस ब्रिज की तरफ बढ़े थे भैया, हरिद्वार की ठंड ने बिल्कुल उसे तोड़ कर रख दिया है। एक कारण से देखिए, रेस्ट रूम जो है ले लिए हैं और सूर्योदय होने का जो है इंतजार कर रहे हैं। स्टेशन से फाइनली जो है 1 घंटे के बाद बाहर निकल चुके हैं भैया। बाहर निकलने के बाद ठंड इतना ज़्यादा था कि हम लोग को रेस्ट रूम लेना पड़ा, अपने आप को गर्माना पड़ा। अब जबकि थोड़ा सूर्य उदय हो चुका है, तब जाके निकले हैं। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ से होटल जाना है या कहीं भी जाना, तो ऑटो आपको दिख जाएगा साफ साफ यहाँ पे। कोई भी ऑटो लेकर के या फिर आप कैब टैक्सी जो भी आप बुक करके यहाँ से आप निकल सकते हैं। फिलहाल अब स्टेशन के बाहर ही हैं, चलिए अब चलते हैं आएगा। तो इससे पहले कि गंगा घाट या फिर हड़की पौड़ी जाएं, एक चाय तो बनता है। एक कारण से भैया को गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए जो है कर दिए, बाकी इंतजार कर रहे हैं चाय के आने का। बाकी आप लोगों को बता दें कि स्टेशन से निकलने के बाद आपको इतना ऑटो और ई रिक्शा मिलेगा, गंगा घाट के लिए भी मिलेगा, बाद में आपको होटल रूम सब ये लोग दिलवा देंगे। हड़की पौड़ी के लिए मिलेगा, किराया मात्र 10 रुपये है। थोड़ा दिमाग लगाइए, बार्गेनिंग वगैरह करिए, 10 रुपये में हो जाता है और उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। भीड़ क्यों हो रही है अभी? भीड़ हो रही, कल को नया साल है ना, कल को महान है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं आपकी नया साल है तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर न्यू ईयर मनाने के लिए हरिद्वार। एक कारण से यहाँ पे जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। रूम का कुछ सिलसिला ऐसा है कि आप पहले से बुक कर सकते हैं। बाकी जो है हमारे रिक्शा वाले भैया हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रूम मिल जाता है 600-700-1000 रुपये के अंदर, आपको बहुत ही बढ़िया रूम मिल जाएगा हड़की पौड़ी के नज़दीक। हड़की पौड़ी मतलब समझिए हरिद्वार का सिटी सेंटर, यहाँ से सब कुछ आपको नज़दीक मिलेगा, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं। तो बाकी अभी रिक्शा में बैठे हुए हैं और हरिद्वार का नज़ारा जो है कुछ इस प्रकार है। हड़की पौड़ी जाना जो है वो हो गया है कैंसिल। काहे की जो ई रिक्शा वाले भैया थे, दिलाने लग गए होटल, होटल दिलाने लगे 500 रुपये में, 700 रुपये में, 3200 रुपये में, 4000 रुपये में, लेकिन फाइनली हम ले लिए हैं मात्र 700 में। वैसे होटल पहले से बुक था, आप लोग भी करके आइए बुक, हमारा 900 में था, लेकिन सस्ता मिल गया और बढ़िया था, एक कारण से ये वाला डन कर दिए हैं। चलिए आपको रूम टूर कराया जाए। तो ये रहा रूम का टूर, गेट बंद कर देते हैं। ये रहा बेड, डबल बेड है जिसपे कि 2 लोग आराम से सो सकते हैं। तो हरिद्वार है भैया, 700 रुपये में कुछ इस प्रकार का रूम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठंड का मौसम है इसीलिए जो कंबल है मिल गया, लेकिन कंबल देखने में थोड़ा पुराना पुराना टाइप जो लग रहा है। बाकी रूम ठीक है, लाइटिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है। और वो दिखाइए भैया, टीवी भी दिया हुआ है, यह आवश्यक है। टीवी दिया है लेकिन टीवी नहीं देखेंगे भैया, देखेंगे यहाँ का दृश्य, एकदम अनमोल अनमोल कमाल कमाल दृश्य। बाकी चेयर भी दिया हुआ बैठने के लिए। और भोजन वोजन करना है आपको तो कॉल करके बुला लीजिए भोजन वगैरह। तो सबसे पहले तो भैया जाके थोड़ा फ्रेश हो लें, मुँह हाथ धो लें, स्नान कर लें। अभी गंगा में नहीं कर रहे हैं, अभी रूम में ही कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा प्लान बना हुआ है। तो प्लान है हरिद्वार और ऋषिकेश भ्रमण का, लेकिन भ्रमण देखने से पहले जो है ये ट्रेलर देखिए। शायद मैं ही हूँ, शायद मैं नहीं, हुआ क्या न जाना, जाने ये रास्ते ले जाते हैं कहाँ बताना। यूं ही बस चल पड़ा, मुझको कुछ भी खबर नहीं, खबर नहीं। मैं हूं एक मुसाफिर, हम सफर भी नहीं, भी नहीं। इन मैं भी मैं ही हूं, इन मैं भी मैं नहीं। मुझे ये है हुआ क्या, कुछ पता ही नहीं। मंजिल है हम, गिर पड़े जो
तो इस वाले ब्लॉग में इतना ही, बाकी अगला ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे हरिद्वार और ऋषिकेश का पूरा टूर प्रोग्राम, कि कैसे आप लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना रुपया में घूम सकते हैं। बाकी ये वाला ब्लॉग जो है इसको यहीं पे करते हैं ख़त्म। आप लोगों को पूरा रूम दिखा दिए, सब कुछ बता दिए, बाकी आप लोग जो है नदी का नज़ारा भी देख सकते हैं साफ साफ। अभी बहुत कुछ घूमना बाकी है भैया, अभी तो दिन का शुरुआत है। तो ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को यहाँ वो जहाँ तक फैला जी। मिलेंगे आप लोगों से जल्द ही एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदगी आशा होती है कहाँ यारों।